अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ श्रेडेड चिकन विद रेड सॉस की रेसिपी। ये चाइनीज की एक नई रेसिपी है और बहुत डिलीशियस है। तो चलिए पहले इसका मैरिनेट तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये 350 ग्राम बोनलेस, जिसके मैंने ऐसे कट कर लिया है। इसमें जाएगा ये 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट जाएगा इसमें। एक अंडे की सफेदी रहेगी, बस व्हाइट जाएगा इसका। और ये 1/2 टीस्पून लिया है मैंने कॉर्नफ्लावर और 1 टीस्पून लिया है मैंने मैदा। तो चलिए इसको मैरिनेट कर लेते हैं। में डाल देंगे व्हाइट पेपर और सॉल्ट। जिंजर पेस्ट डाल देते हैं और ये एक अंडे की हमें सफेदी डालनी है इसमें, बस पूरे अंडे की सफेदी डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर और मैदा भी डालते हैं और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। हाथ से कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करना है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करने रख दूंगी, फिर बाकी के प्रोसेस की तरफ चलेंगे। हमारे चिकन को मैरिनेट होते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। चिकन आप जितनी देर तक मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा हमारी चिल्ली बनेगी। ये देखिए हमारा चिकन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये हमने अपना सारा चिकन निकाल लिया है। अब हम इसकी सॉस बनानी है। तो इसकी सॉस बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने 1/2 अनियन ले ली थी, इसके ऐसे शेल्स से काट लिए हैं, और ये स्प्रिंग अनियन है थोड़ी सी, ये 2 कश्मीरी चिल्ली का ले लिया है मैंने साबुत, और ये आधी शिमला मिर्च है, इसको मैंने ऐसा लंबा काट लिया है। ये कॉर्नफ्लावर है, इसकी स्लरी बनेगी, और ये जिंजर गार्लिक और चिल्ली को मैंने बारीक बारीक क्रश कर लिया था, ये 2 टेबल स्पून डालूंगी मैं इसमें। ये 2 टेबल स्पून सोया सॉस है, ये 3 टेबल स्पून चिल्ली सॉस है, रेड चिल्ली सॉस, और ये 4 टेबल स्पून मैंने लिया टोमेटो सॉस। ये फूड कलर है, रेड फूड कलर, और सॉल्ट जाएगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। यहाँ ऑयल में डालूंगी मैं 2 टेबल स्पून दिया है मैंने ये चिल्ली गार्लिक, और इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से सौते हो गया है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, भी डाल देंगे, और ये अनियन शेल्स भी डाल देंगे। स्प्रिंग अनियन में बाद में डालेंगे। चला लेंगे इसे अच्छे से, ताकि हमारी जो शिमला मिर्च है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए हमारी शिमला मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बस ऐसे ही चाहिए हमें। अब हम इसमें अपनी सॉसेस डालेंगे, सोया सॉस, रेड चिल्ली सॉस, और ये टोमेटो सॉस। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉल्ट और फूड कलर भी मैं डाल दूंगी इसमें, फूड कलर आपकी मर्जी है आप डालें। ये हमारी सॉसेस अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसमें अपना चिकन ट्रांसफर कर देंगे, ताकि जो सॉसेस हैं हमारी चिकन में अच्छे से कोट हो जाए।
तो ये देखिए हमारा चिकन जो है सॉसेस में अच्छे से कोट हो गया है। स्प्रिंग अनियन भी डाल देंगे। यहाँ पे आप नमक चेक कर लिए, अगर आपको कम लगता है तो आप डाल दें इसमें नमक। और अब मैं इसमें डालूंगी हाफ कप पानी और इसमें एक बॉईल आने देते हैं। इसमें एक बॉईल आ गया है। अब यहाँ मैंने जो कॉर्नफ्लावर लिया था इसकी मैं स्लरी बना लूंगी और ये स्लरी मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, चला लेंगे इसे अच्छे से। ये देखिए हमारा श्रेडेड चिकन विद रेड सॉस बनके तैयार है। चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा श्रेडेड चिकन विद रेड सॉस बनके तैयार है। आप इसे अपने घर में बनाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।